ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर रिसेंट टाइम। कल हम लोगों ने देखा था बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ गया था और बैंक निफ्टी बुलिश सिनेरियो में थी। ये थोड़ा सा कल गलती क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कर करके ना आदत खराब हो गई और इस वजह से कल की पोजीशन कैरी करने वाला था, बट गलती हुई, वरना आज 500 पॉइंट गैप अप ऊपर मतलब अच्छा पॉइंट मिलता। जबकि आपने प्रीवियस वीडियोज में देखा होगा, मैंने जब भी 34,800 से ऊपर क्लोजिंग देगी मार्केट तो हम एग्रेसिव बाय पे जाएंगे। एनीवेज देखते हैं क्या स्टार्ट है। ओवरऑल जो डेटा था वो साइडवेज था। स्ट्रेंगल हम लोगों ने क्या किया था, 35,000 की। जो लोग स्ट्रेंगल नहीं जानते वो देख लेना, कोशिश करूंगा हर वीडियो में डेली एनालिसिस की एक लर्निंग देखे जाऊं, कुछ ना कुछ नया सिखा के जाऊं। 35,000 की पुट थी वो शॉर्ट करी थी और 35,900 की कॉल शॉर्ट करी थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करी थी, इसे कहते हैं स्ट्रेंगल। जब आप दो स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग कॉल और पुट शॉर्ट करते हो तो आप कहते हैं हमने स्ट्रेंगल शॉर्ट किया है। अगर आप इन्हीं दोनों को कॉल को लॉन्ग भी करोगे पुट को लॉन्ग भी करोगे तो हमने कहेंगे स्ट्रेंगल लॉन्ग किया है। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रेडल आपका सेम स्ट्राइक प्राइस का होता है। अगर मैं 35,500 की ही कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करता हूँ दैट मीन्स मैंने स्ट्रेडल शॉर्ट किया है। अगर दोनों को लॉन्ग करता हूँ दैट मीन्स मैंने स्ट्रेडल लॉन्ग किया है, ठीक है, सेम एक्सपायरी का होता है। अभी ये ऐसा क्यों किया देखते हैं। रीज़न पहले साइकोलॉजी देखते हैं। जब भी हम लोग कहते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो इनको खुलते ही प्रॉफिट दिखता है तो मार्केट एक साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड में चला जाता है। यहाँ तक हुआ भी यही था। जब ये खुला यहाँ पे समवेयर अराउंड, हमने यहाँ पे स्ट्रेडल का देखा, एक लेवल था 35,796 और एक लेवल था आपका 35,149। मतलब हमारी जो आज दिन की रेंज बन रही थी ये रेंज बन रही थी, ठीक है, 35,790। फॉर द सेफ्टी पर्पज इसको भी मैंने 100 पॉइंट्स ऊपर ले लिया और इसको भी मैंने 100 पॉइंट्स नीचे ले लिया। तो मैंने क्या किया, 35,000 की कॉल पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है, और आपका ये आपका शॉर्ट कर दिया आपका 35,900 की कॉल, ठीक है। दोनों से स्ट्रेंगल हो गए, पीएम अच्छा कलेक्ट हो, लास्ट तक डीके, हालांकि मैं जल्दी निकल गया था, लास्ट में डीके काफ़ी अच्छा हुआ था। अभी क्या सीनरी हो सकता है, अगर आप देखो अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जैसे अगर शॉर्ट साइड में जाना है जिन लोगों को, वो शॉर्ट कब करेंगे, जब 35,520 का लेवल टूट जाएगा, ट्रेंड लाइन टूट जाएगी और एक अच्छा साउंड कैंडल अगर बनती है तो हम लोग इसको शॉर्ट की तरफ जाएंगे। तब लॉन्ग की तरफ हम कब जाएंगे, अगर मार्केट समवेयर यहीं पे खुलती है और यहाँ पे का सपोर्ट लेती है देन ऊपर जाती है। बहुत ज़्यादा गैप खुलेगा तो क्या होगा, फिर वो खुलते ही प्रॉफिट देगा, मार्केट साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड में चली जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो समस्या वाली बात है कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है ये आपका बन जाएगा एक रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है ना। क्यों रेजिस्टेंस का बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ही आपका लास्ट कंसोलिडेशन हुआ था जहाँ पे इसने मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने का रीज़न ये होगा कि ग्लोबल मार्केट खराब होगा, आप देखना एसजीएक्स निफ्टी वगैरह खराब होगी तभी गैप डाउन खुलने का सिनेरियो होगा, नहीं तो मार्केट रेंज इसी रेंज के अराउंड खुल के और यहीं पे ही कंसोलिडेट करेगी थोड़ा बहुत, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी, उधर की साइड हम लोग ट्रेड लेंगे। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या बन रहा है। ऑप्शन चेन में अगर हम देखते हैं तो आपका 11,67,000 मतलब 11.6 लाख इधर है और आपका 11 पॉइंट यानी कि 35,500, ये एक अच्छी चीज़ होती है बुल्स के लिए, ठीक है ना। 35,500 का मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है ना, लेकिन 35,500 के ऊपर क्लोज हुई है, अभी 35,600 के आसपास हुई है। अब अगर ये 100 पॉइंट ऊपर भी खुल जाती है ना थोड़ा बहुत, तो ये क्या होगा, ये वाले शॉर्ट कवर करने आ जाएंगे, यहाँ पे जितने भी शॉर्ट है कवर करने आएंगे, ये इसको फर्दर एक्सटेंड कर देंगे 36,000 तक, 36,000 में मैक्सिमम बैठी हुई है, ठीक है। अगर यही 35,500 के नीचे खुली होती तो ये वाले पुट राइटर स्ट्रैप हो चुके होते, ठीक है, फिर क्या होता, मार्केट नीचे की तरफ खतरा दिख जाता। इसीलिए हमने चार्ट में भी देखा था कि अगर गैप डाउन खुला तो ही बस एक खराब सिनेरियो होगा मार्केट के लिए। रीजन क्या है खराब होने का, क्योंकि ये वाले पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे सारे। या दूसरा सिनेरियो क्या होगा, सेलिंग आने का, ऊपर के लेवल पे कहीं पे एम पैटर्न बन जाए, ठीक है ना, तब हम सेल की तरफ जा सकते हैं कि बहुत गैप अप खुल जाए, खुलते ही लोगों को प्रॉफिट दिखे और प्रॉफिट दिख के एम पैटर्न की तरह साइडवेज टू बेरिश हो जाए, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी आज ऊपर ये भी गैप अप हुई एंड देन अगेन ये थोड़ा वीक ज़्यादा थी, नीचे आधी चली गई, ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे, ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई। अभी क्या है, अगेन इसका 16,400 जो लेवल है, 16,400 का लेवल अभी भी ये हर्डल बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे उसमें 34,800 का लेवल था, इसमें 16,400 का लेवल है, 16,420 के ऊपर वी कैन अगेन इनिशिएट बाय 16,550 के आसपास का, और ये वाला क्लोजिंग प्राइस आपका जो होगा ये एसएल हो जाएगा, मतलब आपका 30 पॉइंट का एसएल होगा, 71:2 मिल सकता है। इसमें भी सेम चीज़ है, अगर गैप अप खुलेगा तो आप यहाँ देख रहे हो ये सारे बायर्स हैं, इनको खुलते प्रॉफिट देगा, फिर सेम सिनेरियो साइडवेज टू बेरिश गई, उसके बाद फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। अगर गैप अप खुलती है तो रेंज में खुलती है तो हम वेट करेंगे ये वाला पॉइंट ना टूटे, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर टूट जाएगा तो फिर हम लोग वेट करेंगे बाइंग की साइड पर।
ये आपका सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स आपको मिल रहे हैं जहाँ पे आपका समवेयर अराउंड आ रहा है 16,220, जो हम लोगों ने कल भी देखा था, ठीक है, 16,220-250 का ट्रांजिशन जोन था, ये जोन आपका फिर सपोर्ट का काम करेगा। या तो यहाँ बाइंग करेंगे या फिर ऊपर ब्रेकआउट में बाइंग करेंगे। शॉर्ट हम कब करेंगे, जब आपका 16,200 के नीचे 180 आसपास, जब ये वाला लेवल डिसाइसिवली टूट चुका होगा, ठीक है। टारगेट हमें मिलेगा कहाँ तक का, 16,098 तक का, यहाँ तक का 16,100। क्यों है ये, क्योंकि ये आप देख रहे हो लेवल समवेयर अराउंड ये लेवल आ रहा है, तो बस गैप अप नहीं, गैप डाउन नहीं चाहिए अपने को। बाकी कोई भी सिनेरियो होगा, अगर गैप अप होगा तो थोड़ा सा फिर हम वेट करेंगे, सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड करेंगे किधर जा रहा है। या एम पैटर्न पे हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका देख रहा है 5 मिनट्स पे आपको एम पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, तो हम लोग स्कैल्पिंग के थ्रू शॉर्ट कर सकते थे। इसका भी एक बार ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेंज देखते हैं तो यहाँ पे 16,300 का लेवल है, जैसे उसमें 35,500 का लेवल था, अगेन ये भी क्लोज हुई कहाँ पे, समवेयर अराउंड 350 के आसपास क्लोज हुई है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कॉल लेटर से ऑलरेडी ट्रैप नहीं, अच्छा साइन होता है बुल्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, जब भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ऊपर की तरफ और लेके जाएगा मूव। नीचे यहाँ पे पुट राइटर्स है, मतलब 16,300 के, अगर 16,300 का एक बार सपोर्ट लीजिए, लेट से मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो हम लोग 280 से 300 की तरफ बाई करेंगे, ठीक है, ऑप्शन चेंज के साथ, या फिर हम लोग ब्रेकआउट बाय करेंगे 400 के ऊपर जब जाएगी, ठीक है। सेल हम लोग क्या करेंगे, हमने चार्ट पे देख ही लिया है। चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं ये लगातार बजाज फाइनेंस नीचे आ रहा है, दो चीज़ें होती थी, या तो ये यहाँ पे बेरिश फ्लैग के बाद कंटिन्यू नीचे आता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने डब्लू पैटर्न के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। द मोमेंट ये वाला इस लेवल को क्रॉस करेगा हम लोग अगेन बाय कर सकते हैं। अगर आप इस चार्ट को खोल के देखोगे 15 मिनट्स में तो ये कुछ फ्लैग एंड पोल बटन दिख रहा होगा, ठीक है, तो अगर उस पर ट्रेड करना तो उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको चैनल पर बता दूंगा टेलीग्राम के। नेक्स्ट स्टॉक आपका भेल, भेल का यहाँ पे आप देखो बहुत जबरदस्त प्राइस का रिजेक्शन आया नीचे की तरफ से, ये बड़ा लंबा वीक बनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है बुलिश कैंडल, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए देन ऊपर जाए, अगर इस लेवल को तोड़ती जो आज का हाई है अराउंड 51.5, क्योंकि SL बहुत छोटा है, 50 रुपये का SL है, 1 रुपये का SL है, 1:1, 1:2 आराम से मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका M&M। ना M&M हम लोगों को, आपको यहाँ तक देखो, ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे कहीं देखा था, ठीक है, यहाँ पे ये 5 EMA से अलग किया था इसने। द मोमेंट ये वाला लेवल शॉर्ट करता था हमने को 920 तक का हमको लेवल दिख सकता था, ठीक है, 915 के आसपास का लो ही यहाँ पे गया है तकरीबन। उसके बाद अब देखोगे अगर आप इसका चार्ट प्रीवियसली देखे तो ये एक रेजिस्टेंस के जोन में खड़ा है, ये देखो, ये हर बार यहीं पे आके रिजेक्ट कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी इसने ये करा, अभी ये यहीं पे है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ठीक है, ये स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक बन सकता है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे उसके बाद ये ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बायर्स एंड सेलर्स लड़ रहे होंगे आपस में, इनको लड़ने दो, जब सेलर्स हार जाएंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, फिर हम लोग 1,000 रुपये तक का स्विंग भी दिख सकता है अपने को, बट अभी आया नहीं है, अभी कंडीशन जोन में है। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका वोल्टास का, वोल्टास अगर आप देखोगे तो कुछ डब्लू पैटर्न की तरह बना रहा है, अभी ये आपका इस तरीके से जैसे हमने बजाज फाइनेंस में देखा था सेम चीज़ इसमें है, अगर ये राइजिंग चैनल से ब्रेकडाउन देता है तो फिर ब्रेकडाउन पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस के जोन पे है, ये तोड़ेगा तो एक अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट का ट्रेड मिलेगा और अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपका SBI, अगर SBI आप देखोगे एक लेवल पे है, नीचे आया डब्लू पैटर्न समय कैंडल को अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये कुछ इसी सेम पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पे आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये चैनल में है। चैनल की ट्रेडिंग कैसे होती है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं रेंज की ट्रेडिंग करनी आती है, वो चैनल के अपर साइड पे कोई नेगेटिव सिग्नल पे सेल करते हैं, बॉटमिंग पे आपका बाय करते हैं, और जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट आपका ब्रेकआउट में बाइंग अच्छा मिल जाता है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अभी क्या है, अभी आया नहीं, 470 के नीचे क्लोज हुआ है, इस वाले हाई के ऊपर जैसे जाएगा 473-72 के ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। एक चीज़ याद रखना, जितने भी स्टॉक्स होते हैं ये करंट मार्केट सिनेरियो के बेसिस पे हैं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो ये सारे चार्ट्स के लेवल बिगड़ जाएंगे ना, हम लोगों ने जो प्लान किया वो सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी, उस केस में क्या करेंगे, गैप डाउन के केस में हम लोग फिर वेट करेंगे, फिर देखेंगे फ्रेश लेवल्स क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे, उसके हिसाब से हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।